हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट में। गाइस, काफ़ी आप लोग की डिमांड थी, काफ़ी आप लोग फाइनेंशियल टर्म्स में कंफ्यूज थे और आपके जैसे एग्ज़ाम्स हैं आगे आने वाले हैं, तो आपने एक बात बोली थी, आपने एक बात कही थी कि मुझे कुछ फाइनेंशियल टॉपिक पर क्लास लेनी है, और आपके टॉपिक को ही देखते हुए, आपकी बात सुनते हुए, यहाँ पर एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास में लेने आ रहा हूँ। द मोस्ट अवेटेड टॉपिक इज कैपिटल मार्केट। लेकिन गाइस, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ मैं ऐसा पढ़ाऊँ ऊपर ऊपर से मैं निकल जाऊँ, बिकॉज जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी डीप थे। मैं डीप में इंफॉर्मेशन देता हूँ, मेरी ये हैबिट है, लेकिन वो आप लेते नहीं। तो ये मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो पार्ट बाई पार्ट आएगी। अभी पार्ट वन आप पढ़ रहे हो कैपिटल मार्केट का, इसके बाद पार्ट टू मिल जाएगी वीडियो आपको, देन पार्ट थ्री, देन पार्ट फोर, मतलब कई पार्ट्स में ये मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे काफी डीप में आना पड़ेगा। तो गाइज, अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पे जो और भी फैकल्टीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं श्याम सर, तो श्याम सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, अगर इनकी क्लासेस आपने देखी नहीं तो देखिए, इनके पजल का 1 और 3 रूल जो है वो काफी फेमस है, काफी बढ़िया है, मैं खुद इस पर अप्लाई कर चुका हूँ। लोकेश सर मैथमेटिक्स के जादूगर हैं, मैथमेटिक्स इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इनसे पढ़िए, इनसे पढ़िए। और हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स की स्ट्रेंथ है, वो है इंग्लिश, बिकॉज हमारे पास इंग्लिश के 2 सुपर फैकल्टी हैं, ऐसे फैकल्टी हैं जिन्हें मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसे मतलब पढ़ाते हुए इस तरह की फैकल्टी। तो हमारे पास क्वांट, हमारे पास रीजनिंग, हमारे पास इंग्लिश, और हमारे पास जीए के सारे रॉक स्टार्स हैं, इनके वीडियोस को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो गाइस आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के अपने टॉपिक की। स्टूडियो वॉल्स प्रेजेंट करता है कैपिटल मार्केट पार्ट वन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं अपना स्केड्यूल बता दूं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं, 9 AM पर डेली मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है करंट अफेयर्स की। और अगर आपको वाकई में पता चले करंट अफेयर्स कैसा होता है, अभी मालूम नहीं है आपको, तो मुझे आप फॉलो करें, डेफिनेटली आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे करंट अफेयर्स से आपको फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद 10 AM पे लगातार मेरी दूसरी क्लास होती है, जहां पर हम पूरे वीक में 2 दिन पढ़ते हैं स्टैटिक अवेयरनेस, 2 दिन पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, और 2 दिन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। ये भी हमारा मोनोपोली है। ठीक, और ये जो कंटेंट है ना, मतलब मैं पूरे प्राउड से कह सकता हूं कि अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर वेरी हार्ड वर्कर, वेरी हार्ड वर्कर। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं पेड बैचेस। तो अगर आपको जेन्युइन एजुकेटर से पढ़ना है, जेन्युइन कंटेंट चाहिए, तो आप जरूर अनअकैडमी वॉल्ट पे आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे अभी 2 बैच चल रहे हैं, अभी 2 बैच चल रहे हैं, एक 1 PM पे और एक 3 PM पे। और 1 PM पे मैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा रहा हूं, और 3 PM पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको करंट अफेयर्स MCQs, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर RRBPO एंड IBPS PO। मार्च से हम उठा रहे हैं क्वेश्चंस, और मैं आपको बताऊं, एक एक सेशन के 300-300 क्वेश्चन, 400-400 क्वेश्चन हम करा रहे हैं एक एक सेशन के। पहले हम मंथ बाई मंथ कंप्लीट करेंगे, देन हम टॉपिक बाई टॉपिक कंप्लीट करेंगे, देन मिक्स बैक, देन मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर जो आपको मिलेगा उसमें बैंकिंग और स्टैटिक के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में मास्टर बनना है, तो मेरा 1 PM वाला सेशन ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए, एक बार कंटेंट देखिए, फिर आप बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, तो मैंने आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, और आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है। आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, 7 दिन तक आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको पूरा जितना भी कोर्स आप देखना चाहो आप देख सकते हो। उसके बाद आप डिफरेंस फील करेंगे कि क्या डिफरेंस है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है आपको, अगर आपके पास अनअकैडमी के बारे में जानते हो तो आप जाकर एक बार, मतलब कि एक बार एप्लीकेशन में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पहली बार करना चाहते हो, कर रहे हो, तो अनअकैडमी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। अनलर्निंग ऐप, अनअकैडमी के 2 ऐप है, एजुकेटर ऐप नहीं, लर्निंग ऐप, पहला पॉइंट। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, साइन अप या लॉगिन करना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है। आफ्टर दैट बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर इस तरह एक विंडो खुल के आएगी, जहां पर आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्स हैं। हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, हमारे पास UPSC के एग्जाम्स हैं, SSC के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं। आफ्टर दैट आप UPPSC की बात कर लें, आप NEET या एम्स की बात कर लें, IIT की बात कर लें, मतलब सारे एग्जाम जो होते हैं वो हम लोग यहां पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम को देख सकते हो, 7 डेज के लिए सबके लिए फ्री है, सबके लिए, हर एग्जाम के लिए फ्री है। उसके बाद देखिए,
7 days देख लीजिए, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे कुछ करना नहीं है, आपको इस पे ऐसे जाना है, यहां पर पेमेंट का ऑप्शन है कंटिन्यू का, कंटिन्यू करना है, और ये एएम लाइव कोच, आपको एएम लाइव कोच अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डिस्काउंट। एएम लाइव कोच, देखिए एक बात मेरी समझिएगा कि आप जो फीस पे करते हैं, आप क्यों फीस करें, क्यों फीस पे करें, आपने पहले फीस कहीं पे कर दी है तो व्हाट इज द डिफरेंस, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। एएम लाइव कोच आपको डालना है, जैसे फीस 5000 है एक साल की, ठीक, तो आपको अगर आप ये कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक साल पे जोर क्यों दे रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे कि कम से कम अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट 6 मंथ या 12 मंथ का ही ज्वाइन करिएगा, एटलीस्ट मेरा तो, क्योंकि गाइस अगर हम एग्जाम की बात करेंगे तो जो हमारे एग्जाम्स होने हैं वो काफी लंबे खिंचने, और जो हमारे कोर्सेज होते हैं हम उस कोर्स में फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ 2 मंथ खींचेंगे, फिर आगे क्या फिर पेमेंट करोगे, नहीं ना। तो आपको ये करना, या तो 6 मंथ या तो 12 मंथ, यही करिएगा, इसमें आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। और जो फीस आपको दिख रही है, अगर आपको ज्यादा लग रही है तो मैं आपको समझाता हूं इस फीस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए गाइज, ये जो फीस आप पे करोगे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी वन ईयर की पूरी हमारी जो कॉस्टिंग है 12 मंथ की, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 5000, आपको दिख रहा है यहां पर। लेकिन गाइज सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो तो अनअकैडमी एजुकेटर जो हमारा मतलब प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर बैंकिंग के मोर देन 60 एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, 60, तो आपको फीस पे करनी है एक ही बार और आपके लिए सारे एजुकेटर्स की प्रोफाइल खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। मतलब ये ऐसा थोड़ी ना है कि आपने फीस पे की कोई मेरे लिए, आपको इसी में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, और जो भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सब सबके प्रोफाइल खुल जाएंगे, सबके क्लासेस खुल जाएंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आपको क्लासेस की नोट्स वहीं पे मिल जाएंगी, मेगा क्विज मिल जाते, क्विज मिल जाते हैं आपको, और क्विज के बाद सबसे बड़ी बात बेटा ये होती है कि आपको फैकल्टी से इंटरेक्शन मिल जाता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे तो आप जो भी पढ़ते हैं ना वो आपको फैकल्टी बोलता है तो 20-30 सेकंड के लिए देर से आपको मिलता है, यानी एक लेसन जो हम नॉर्मली एक कवर में करना चाहते हैं वो 2 घंटा खींचता है। तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म बिल्कुल रियल टाइम पे काम करता है, जैसे आमने सामने, आमने सामने मैं कुछ बोलूंगा आपको तुरंत वो चीज मालूम चलेगी, आप तुरंत क्वेश्चन करोगे मैं तुरंत ऐसा करूंगा, तो टाइम की भी बचत होती है इस पर, ये इसमें बड़ी बात है, ठीक है। देख लीजिए डिस्काउंट वाली बात जो हम कर रहे थे, और फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं ये एएम लाइव कोड केवल बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, रेलवे में खरीदिए बैच, आप परचेस करिए, एसएससी करिए, ये कोड आपको फॉलो करना है, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा किसी में भी और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है, और 2 ईयर्स की बात करें तो 2 ईयर्स क्यों वो भी समझिए आप, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, आप हाउसवाइफ हैं, आपने अभी प्रिपरेशन शुरू किया है, मे बी अनअकैडमी की फीस आगे बढ़ जाए, और वो बढ़ेगी ही क्योंकि आप जानते हो कि महंगाई बढ़ रही, तो आपके पास 2 साल का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, 8000 आपको फीस पे करनी है। 8000 क्यों, इस कोड को आप यूज करेंगे तो 7200 ही पे करनी है, और 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी आपका, आपको जो करना है जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब कैपिटल मार्केट शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। देखिए तो कैपिटल मार्केट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, क्या है ये कैपिटल मार्केट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम सारी बात करेंगे, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। देखिए कैपिटल मार्केट पढ़ने से पहले गाइज आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इसको मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, आप मेरा यही कंटेंट देख लीजिए आपको मालूम चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड मी, आपको यही मालूम चल जाएगा कितने सिंपल भाषा में, कितने अच्छे से और कितने डीप में मैं जा सकता हूं वो देखिएगा आप, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। दोस्तों ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है, देखो कोई भी चीज अगर आपको टफ लगे ना तो उसे टफ की तरह मत लो, उसे इजी से इजी करने की कोशिश करो, और वो कैसे करोगे आप, देखिए मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है एक जगह जहां पर हम लोग मिलते हैं आपस में, आपस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको सब्जी खरीदनी है आप सब्जी मार्केट में जाते हो, आपको सब्जी खरीदनी है कपड़ों के मार्केट में तो नहीं आते हो, आपको सब्जी खरीदनी है सब्जी मार्केट में आते हो, अब जिसको सब्जी बेचनी है वो भी सब्जी मार्केट में ही जाएगा और दोनों आपस में बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्केट। सेम कपड़ों का मार्केट, सेम कपड़ों का मार्केट, सेम सब्जी का मार्केट, सेम फ्रूट्स का मार्केट है ना, सेम डेयरी मार्केट, बस वही फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर फाइनेंस पैसे का लेन देन होता है, एक ऐसा बाजार जहां पर पैसे का लेन देन होता है। पैसे का लेन देन का मतलब मुझको पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, अब ये पैसा मुझको उधार चाहिए या पैसा मुझको पार्टनरशिप में चाहिए, किसी फॉर्म में चाहिए, मुझे इस मार्केट में आना पड़ेगा। और अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है जो निवेश करना चाहता है समाज सेवा के लिए नहीं,
आप निवेश करना चाहते हो, निवेश या तो पार्टनरशिप के फॉर्म में या तो आप किसी को उधार देकर इंटरेस्ट लेना चाहते हो, तो आपके लिए भी यही मार्केट है। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर ऐसे लोग जिनको पैसे की नीड होती है वो जाते हैं, ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस ऑफ मनी है जो अपना पैसा निवेश करने जाते हैं वो लोग मिलते हैं, आपस में क्या करते हैं, लैंडिंग बोरोइंग पार्टनरशिप करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट सिंपल सी लैंग्वेज में एक ऐसा बाजार जहां पर फाइनेंस का डील होता है, पैसे का डील होता है, लेन देन होता है, उधार या पार्टनरशिप, बोरोइंग्स या पार्टनरशिप, फाइनेंशियल मार्केट सिंपल सी लैंग्वेज में। तो आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट आपको क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट के कुछ पार्ट्स हैं क्या, मतलब क्या है फाइनेंशियल मार्केट। देखिए अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों, तो फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में हमारा डिवाइड है। एक पार्ट हमारा कौन सा है, मनी मार्केट। ये मैं कभी आपको और पढ़ा दूंगा, अभी हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। हालांकि मनी मार्केट भी कॉन्सेप्चुअल चीज है और काफी ये इंपॉर्टेंट है, किसी दिन वो मैं पढ़ा दूंगा। अभी हम कैपिटल मार्केट सीरीज खत्म करेंगे, ठीक है। तो मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज मनी मार्केट एंड वन इज कैपिटल मार्केट। अब ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होते क्या है उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए मनी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट है, दोनों फाइनेंशियल मार्केट है। यानी दोनों में सेम करेक्टरिस्टिक्स है कि पैसे का लेन देन होगा, लेकिन अब दूसरी तरीके से इसको समझते हैं। देखिए मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 150 करोड़ एक्स्ट्रा है, मुझे वो निवेश करना है। लेकिन दोस्तों बिजनेसमैन का मतलब समझिए, आप अपना इतना बड़ा अमाउंट कहीं पर 5 साल के लिए 10 साल के लिए निवेश करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि कहीं पर निवेश कर दें, 5 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में, मैक्सिमम 1 साल में आपको आपका पैसा रिटर्न हो जाए विथ आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर आप ये सोच रखते हो, देखो सोच रखने वाली बात है, सोच का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रिपरेशन होती है, एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है, सब सोच माइंडसेट की बात होती है। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 7-8 ईयर्स में पढ़ा रहा हूं। मैं बैंक का एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि मैं SSC भी पढ़ाता हूं और मैं UPSC भी पढ़ाता हूं, ठीक। तो मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं बैंक का, ठीक। स्टार्टिंग मैंने बैंकिंग से किया। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो केवल क्लैरिकल का फॉर्म ही भरते थे, जिनको लगता था वो क्लर्क ही बन पाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो केवल पीओ का फॉर्म भरते थे। हम लोग डांटते थे, अरे क्लर्क का फॉर्म तो भरो। ये माइंडसेट वाली बात है, आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है। देखिए तो माइंडसेट की बात है, तो एक इन्वेस्टर चाहता है कि यार पैसा हमारा बहुत लंबे समय ना फंसे, हमारा पैसा हमको तुरंत मिल जाए। एक इन्वेस्टर है जो चाहता है कि यार लंबे समय में लंबा प्रॉफिट है, छोटा मोटा नहीं, कम टाइम के लिए नहीं, हमको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना। एक पर्सन है जो उधार लेना चाहता है, लेकिन वो उधार लेना चाहता है कुछ कम दिन के लिए, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल, वो लंबी लायबिलिटीज नहीं लेना चाहता। और एक पर्सन जिसको पैसे की नीड है लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप उसमें से आते हो कि आपके पास पैसा है, आप निवेश करना चाहते हैं और आप निवेश शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, आप वो पर्सन है, आपको पैसे उधार चाहिए लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, अगर आप ऐसे पर्सन हो तो आपके लिए मनी मार्केट है। मनी मार्केट वो फाइनेंशियल मार्केट है जिसको, जिसमें समझना, जिसमें पैसे का जो भी लेन देन होगा वो मैक्सिमम 1 साल के लिए होगा। मतलब जो मनी मार्केट होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, ठीक। और यहां पर जो भी पैसे का लेन देन होगा वो मैक्सिमम 364 डे होगा, 364 दिन। आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि 1 साल में 365 दिन होते हैं और आप बोल रहे हो 364 दिन, मतलब क्या हुआ इसका, ऐसा क्यों, आप 365 क्यों नहीं बोल रहे हो भाई। हाँ सही, आपने बिल्कुल सही बोला। देखो मैंने क्या बोला, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर पैसे का लेन देन मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। मैक्सिमम 1 साल के लिए मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको उधार दिया 1 साल के लिए 365 दिन के लिए, और मान लीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, सुना वो ध्यान से, ठीक। और मैंने कहा कि मैं आपको 5% का रिटर्न दूंगा 1 साल के बाद, 1 साल के बाद यानी आपके हिसाब से 1 साल का मतलब 365 दिन। तो 365 दिन के लिए मैंने आपसे उधार लिया, और जब आप अपना पैसा मांगने आओगे तो आप 1 दिन के बाद आओगे 366वें दिन आओगे, क्योंकि 365 दिन तक मैंने उधार लिया था। तो 366वें दिन मैं आपको पैसा आपका वापस कर दूंगा प्लस ब्याज। तो 366 का मतलब हम 1 साल से बियॉन्ड चले गए, और 1 साल से बियॉन्ड जाने का मतलब ये आता है मामला कैपिटल मार्केट का। तो इसलिए हम 364 बोलते हैं, क्योंकि 364 डे का मतलब अगर मैंने आपसे 364 डे का उधार लिया तो मैं 364 डे तक पैसा रखूंगा, और 365वें दिन मुझे आपका पैसा प्लस ब्याज आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मामला 1 साल से ऊपर नहीं गया,
समझ गया ना मेरी बात? तो ठीक है, 364 दिन। ठीक, एक क्वेश्चन और, ये जो मनी मार्केट है इसमें यार पैसे का ये जो उधार लेना देना जो मैं बता रहा हूं ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल कौन करता है? तो मनी मार्केट में पैसे का ये उधार लेना उधार देना ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। क्वेश्चन बनते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होती है? एक साल। मिनिमम कितनी हो सकती है? एक दिन। एक दिन हो सकती है। ठीक, और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर उधार लेना देना जो भी है अगर वो एक साल का है, एक साल के अंदर है, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, 10, 50, 364, तो आप मनी मार्केट की बात कर रहे हैं। और अगर अगर इससे मामला ऊपर जाता है, अगर मान लीजिए मुझे उधार लेना है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो मैं कहां जाऊंगा? कैपिटल मार्केट। अगर आपको पैसा निवेश करना है एक साल से ऊपर के लिए, 2 साल, 3 साल, 5, 10 साल, तो आप कैपिटल मार्केट में जाओगे। यानी कैपिटल मार्केट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपिटल मार्केट को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। क्या हम बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक, और लॉन्ग टर्म मार्केट का मतलब यहां पर जो भी पैसे का लेन देन होगा वो हमेशा मोर देन 1 ईयर के लिए होगा, वो हमेशा एक साल से ज्यादा के लिए होगा। और अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो बेटा है इसे कंट्रोल कौन करता है? तो कैपिटल मार्केट पूरा का पूरा सेबी के अंडर में आता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर ये हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कभी क्लियर नहीं होगा, कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सुनो। अच्छा एक बात, शेयर मार्केट जानते हैं? शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में आता है, शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में आता है। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, एक बात समझ में नहीं आती, अगर शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में आता है और आप बोल रहे हो कि यहां पर पैसे का लेन देन हमेशा एक साल से ज्यादा के लिए होता है, तो सर फिर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया, आज कर लिया 10 रुपए में एक शेयर, और मैंने कल अपने किसी दूसरे दोस्त को बेच दिया, पैसा तो मुझे मिल गया, तो यानी कि मुझे तो पैसा एक दिन के अंदर, 2 दिन में मिल गया मतलब। और आप बोल रहे हो कि यहां पर पैसे का लेन देन तो एक साल से ऊपर होता है, तो यह बात तो समझ में नहीं आ रही है, या तो आप गलत पढ़ा रहे हो और या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसा ही है, समझिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सब कोई छोटी मोटी चीज नहीं। अगर कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको पूरा कैपिटल मार्केट कभी क्लियर नहीं होगा। मैंने कैपिटल मार्केट पढ़ा था, मुझे कभी क्लियर नहीं हुआ था, वो तो मैं पढ़ाने लगा तो मैं धीरे धीरे मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए समझिएगा, मैं सही बोल रहा हूं कि कैपिटल मार्केट में पैसे का लेन देन हमेशा एक साल से ऊपर के लिए होता है। देखिए आप क्या बोल रहे हो कि आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया और एक दिन के बाद आपने सेल आउट कर दिया। तो गाइस अगर आपने एक दिन के बाद सेल आउट कर दिया मतलब समझिए, चलिए मेरी कंपनी और मेरी कंपनी का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम है मिश्रास कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मिश्रास कंपनी। ठीक है, आप ये हो। ठीक, आपने क्या किया? आपने मेरे कंपनी का एक शेयर परचेस किया। आपने मेरे कंपनी का शेयर परचेस किया और ये शेयर आपने परचेस किया, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 10 रुपए में। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको 2 दिन के बाद लगा कि यार ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक, आपने क्या किया? आपने ये शेयर अपने किसी दोस्त को सेल आउट कर दिया या किसी ब्रोकर को सेल आउट कर दिया। आपने अपने दोस्त को सेल आउट कर दिया, ब्रोकर छोड़िए, अभी आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते। तो आपने अपने दोस्त को सेल कर दिया और उसने आपको 10 रुपए दिए, उसने आपको 10 रुपए दे दिए और आपने शेयर इसको दे दिया, यानी आपको 10 रुपए मिल गया और ये अब शेयर का मालिक बन गया, है ना। लेकिन जरा सा पीछे आते हैं, समझते हैं। जब आपने मुझसे मेरे शेयर परचेस किए होंगे तो आपने मुझको अपना 10 रुपए दिया होगा, यानी आपका 10 रुपए तो पड़ा ही है ना मेरे पास, आपका 10 रुपए पड़ा है मेरे पास। आपने ये शेयर अपने दोस्त को बेच के उसका पैसा आपने लिया, यानी अब शेयर उसके पास है लेकिन पैसा उसके पास थोड़ी ना, वो तो आपके पास चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जिस तरह आत्मा अमर होती है, आत्मा केवल शरीर चेंज करती है वो अमर होती है, आत्मा की अपनी कोई मैच्योरिटी नहीं है, वैसे ही किसी कंपनी के शेयर की अपनी कोई मैच्योरिटी नहीं है। वो चलेगा 10 साल 50 साल 100, जब तक कंपनी है कंपनी का शेयर कभी खत्म नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है। चेहरे बदलते हैं, मतलब देखिए अब ये क्या करेगा, ये किसी और पर्सन को सेल आउट करेगा और इससे पैसा ले लेगा, यानी इसका पैसा इसके पास आ गया और शेयर आ गया इस पर्सन के पास जो शेयर था हमारा। ठीक है, ये इसका मालिक बन गया, लेकिन जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही हुआ है ना, आप लोग आपस में सेल पर चल रहे हो, मुझसे क्या मतलब है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि शेयर भी चलता है लंबा,
जब तक कंपनी टिकेगी, जब तक कंपनी मार्केट में है, शेयर चलता रहेगा, उसकी मैच्योरिटी नहीं होती। तो इसीलिए शेयर भी कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। आई होप ये आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि घर घर ये बात पहुंचे कि अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे कोई फैकल्टीज हैं, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और हम भी आपको और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया कि कैपिटल मार्केट में शेयर क्यों आता है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलिए तो गाइस, कैपिटल मार्केट के बेसिक्स तो हमने कर लिए कि मतलब मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं और कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप मेरी भाषा को देख चुके हो, समझ चुके हो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं आगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट कैसे काम करता है। तो उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ लेते हैं। पहले टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स है। तो देखिए कैपिटल मार्केट को समझने के लिए कई सारे टाइप्स होते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाता हूं क्या सिंपल सा टाइप्स, और ये सिंपल टाइप कौन सा है। तो एक टाइप क्या है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। एक हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, समझते हैं। देखिए समझिएगा, मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है मिश्रास कंपनी। ये कंपनी मार्केट में पहली बार आई है, बिल्कुल नहीं है। इसने अपने शेयर बेचे, लेकिन ध्यान रहे इस कंपनी का ये पहला शेयर, पहली बार है, मतलब इसके पहले कंपनी ने शेयर बेचे नहीं थे, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कंपनी का शेयर एक इशू कर दिया। अब शेयर क्या होता है इतना तो आप लोग जानते हैं ना, शेयर क्या होता है। अगर शेयर क्या होता है ये आप नहीं जानते तो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा डीप में। शेयर का मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपको शेयर का मतलब समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको शेयर का मतलब समझाता हूं। देखिए ये शेयर क्या होता है, बहुत बार हम लोग शेयर के बारे में सुनते हैं और जब बुक्स में और नेट पर हम डेफिनेशन ढूंढते हैं तो डेफिनेशन ऐसी होती है कि हमें क्लियर ही नहीं होता। द स्मॉलेस्ट यूनिट, अब भाई ये क्या है, आदमी परेशान, ये क्या है ना। देखिए तो दोस्तों शेयर की बात करें तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और हिस्सा ये हम सब लोग अपने घर में बचपन से देखते हैं। मान लीजिए कि मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, मिठाई एक बची है, अब वो भी लड़ रही है, मैं भी लड़ रहा हूं, तो पापा ने क्या किया, उसका दो हिस्सा कर दिया, एक शेयर मैंने लिया, एक शेयर उसने लिया हिस्सा। एक फैमिली है, दो भाई रहते हैं, एक का ऊपर फ्लोर है, एक का दूसरे ग्राउंड फ्लोर है, शेयर है, एक घर शेयर कर रहे हैं, दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं, बाइक शेयर हो रही है ना। शेयर मतलब हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा। चलिए मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मेरा नाम ए है और मुझे एक कंपनी ओपन करनी है, मिश्रास कंपनी। अब मिश्रास कंपनी ओपन करनी है, उसे ओपन करने के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट है, 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास 600 करोड़ रुपीज है लेकिन मुझे 400 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और ये पैसा कैसे आएगा मेरे पास। मैंने अपने चार दोस्तों से बात की, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है। इन लोगों ने क्या किया, 100 100 100 100 इन्होंने मतलब 400 करोड़ रुपए मेरे कंपनी में लगा दिए, ठीक है, और मुझे पैसे मिल गए, मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों इस 1000 करोड़ रुपीज में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है, 600 करोड़, और अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना हो गया, ये 60% हो गया। और अगर ये 60% हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा इस कंपनी में 60% का शेयर। अच्छा, बी का 10%, सी का 10%, डी का 10% और ई का 10%। मतलब क्या बात कर रहे हैं, हम कंपनी की कैपिटल के हिसाब से शेयर निकाल रहे हैं, हिस्सा है ना, हिस्सा। तो कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में देख लीजिए आप लोग, शेयर का मतलब हिस्सा होता है। तो कंपनी की टोटल, आप जब किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो ना, यानी कि आप उस कंपनी में कुछ ना कुछ निवेश कर रहे हो, और आप जितना उस कंपनी की टोटल कैपिटल में जितना आप निवेश करोगे उतने परसेंट के आप शेयर होल्डर बन जाओगे। 1%, 2%, 5%, 10% जितना आपने निवेश किया शेयर में, मतलब उतना आप क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। तो सिंपल से एग्जांपल, अभी एग्जांपल मैं और एक्सप्लोर करूंगा, अभी तो मैं केवल बेसिक अपने क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। देखिए तो मिश्रास कंपनी है, और मिश्रास कंपनी ने एकदम नई कंपनी, बिल्कुल नई कंपनी है ये, ठीक है, और इसने अपने शेयर पहली बार, बिल्कुल पहली बार लॉन्च की, पहली बार मार्केट में आया। चलिए अब आपकी बात करते हैं, आपने इसको परचेस कर लिया, मान लीजिए एक शेयर था 10 रुपए का, आपने परचेस कर लिया। अच्छा, अब जो इसके प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि मेरी कंपनी 100 रुपए चाहती है,
ठीक है, और मैंने इसमें ₹60 लगाए हैं, ₹60 लगाए हैं, ठीक, यानी 60% शेयर मेरा है, और आपने मेरे कंपनी का एक शेयर लिया और आपने मुझे ₹10 दिए, तो ₹100 में ₹10 आपने दिए, मतलब 10% आपका शेयर हो गया। ये मैं आपको समझा रहा हूं केवल, ठीक है, कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो आपने मेरे कंपनी का शेयर परचेस कर लिया बिल्कुल पहली बार। तो अगर किसी कंपनी का शेयर बिल्कुल पहली बार ट्रेड होता है, बिल्कुल पहली बार खरीदा जाता है, तो वो किस मार्केट में होता है? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां पर बिल्कुल फ्रेश शेयर सिक्योरिटीज का सेल परचेस होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में, ठीक। अच्छा, आपने खरीद लिया, अच्छा कल को आपको लगा कि यार मेरे कंपनी प्रॉफिट नहीं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपने क्या किया, आपने ये शेयर अपने किसी और दोस्त को बेच दिया, ठीक, उसने आपको पैसे दे दिए, ठीक, और उसका ये शेयर उसका हो गया, ठीक। अब देखो, जब आपने शेयर बेचे तो अब ये दूसरी बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि पहली बार तो आप परचेस किए थे, तो पहली बार के ट्रांजैक्शन कहां जाते हैं? प्राइमरी मार्केट में। और जब उसी शेयर का दोबारा या तिबारा या चौथी बार या दसवीं बार या पचासवीं बार ट्रांजैक्शन होता है, तो वो पूरा सेकेंडरी मार्केट में जाता है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल पहली बार आपने परचेस किया, इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। अब आप बेच रहे हो, अच्छा आप बोलोगे सर एक बात बताइए, क्या ये पर्सन कंपनी को वापस शेयर नहीं बेच सकता? नहीं बेच सकता, जब तक कंपनी नहीं चाहेगी, जब तक कंपनी नहीं चाहेगी, और कंपनी मैक्सिमम केस में नहीं चाहती, ठीक है। वापस आइए, आपने क्या किया, आपने किसी और को बेच दिया, आपने किसी फ्रेंड को बेचा आपने, तो अब यह दोबारा ट्रांजेक्शन हुआ, और यह दोबारा ट्रांजेक्शन हुआ तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाएगा। होप कि आपको यह सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, यह आपको मालूम चल चुका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। देखिए, तो इसको थोड़ा मैं रब करता हूं। अब एक टाइप ये था, दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरे टाइप्स की बात करेंगे दोस्तों, तो दूसरा टाइप्स थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, बिकॉज आपको ये अभी आगे पढ़ना है, मैं अभी लिख रहा हूं केवल देखिएगा, ठीक। तो दूसरे टाइप में क्या होता है कि कैपिटल मार्केट को हम तीन पार्ट में और डिवाइड करते हैं, और ये तीन पार्ट कैसे, एक होता है बेटा क्या हमारा इक्विटी, एक होता है क्या हमारा डेब्ट, ठीक, और एक क्या होता है हमारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक। तो कैपिटल मार्केट को इस तरह भी डिवाइड किया जाता है, इक्विटी, डेब्ट और डेरिवेटिव, ये इस तरह भी डिवाइड होते हैं। आपको अपने इस पार्ट में मैं ये भी पढ़ाऊंगा, मैं ये भी पढ़ाऊंगा, और मैं ये भी पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, और इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब शेयर होता है, एग्जैक्टली में इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर। डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब होता है उधार। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब वो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, जब मैं डेरिवेटिव को पूरा पढ़ाऊंगा वो तभी क्लियर हो पाएगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये इमेज बना लीजिएगा, इक्विटी, डेब्ट एंड डेरिवेटिव। और जो कैपिटल मार्केट हम पढ़ेंगे, पहले हम इक्विटी पढ़ेंगे, देन हम डेब्ट पढ़ेंगे, देन हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ऐसे ही हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब आपको थोड़ा सा सेबी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेबी के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये सेबी कौन है? ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट में जो भी आएगा, शेयर मार्केट, डिबेंचर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, सबका ये रेगुलेटर है सेबी, ठीक। मतलब सेबी के अंडर में ही सब कुछ होता है, इतना आप मानिए। तो सेबी पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो सेबी का अगर आपसे एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा, तो सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है बेटा वो क्या है, 1988। तो ये सच्चाई है, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1988 है, ये बात आपको ध्यान देनी है, 1988, ठीक। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988, और अगर हम बात करें कि सेबी का एस्टैब्लिशमेंट 1988 था, तो फिर सेबी को पावर कब मिली? तो अगर सेबी के हम पावर की बात करेंगे, तो सेबी को पावर मिली है 1992। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988, लेकिन सेबी को पावर मिली है 1992 में, क्योंकि सेबी एक्ट पास हुआ था, और सेबी एक्ट पास होने के बाद इसको पावर मिली है काम करने की। तो एस्टैब्लिश, अगर केवल एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा तो 1988, अगर पूछा जाएगा कि किस ईयर में सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, किस ईयर में, तो अगर स्टैट्यूटरी बॉडी पूछेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 1992।
अच्छा कभी कभी एग्जाम में थोड़ा गेम हो जाता है। एग्जाम में गेम क्या होता है? एग्जाम में गेम इस तरह से होता है कि आपसे पूछा जाएगा सेबी का एस्टेब्लिशमेंट क्या है। दोस्तों एक बात समझिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और ऑप्शन में 1988 नहीं है, तो अगर 1988 नहीं है तो फिर आप आंसर 1992 पे ही लगाइएगा। हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है? तो ये बात समझिएगा। अच्छा और क्वेश्चन क्या बनेगा, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक बात ये। सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? कौन है? मिस्टर अजय त्यागी है। मिस्टर अजय त्यागी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन और, सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने लोग होते हैं? सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने लोग होते हैं? तो सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में 9 लोग होते हैं, टोटल 9 लोग। नोट्स बनाते रहिएगा, सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में टोटल 9 लोग होते हैं। और ये 9 लोग कैसे बनते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे 9 लोग होते हैं, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा। एक होता है चेयरमैन, सेबी का जो चेयरमैन मतलब अजय त्यागी, बोर्ड ऑफ मेंबर में एक पर्सन ये होंगे। एक पर्सन कौन होता है, ये दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, मतलब एक पर्सन, तो ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर भी जो होता है बेटा वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में आता है, एक डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक। और बात करते हैं, मैं इसे वन ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक डिप्टी गवर्नर, एक चेयरमैन, दो लोग हो गए, ठीक। फिर टू मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो लोग, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से दो लोग होते हैं। एंड 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से 5 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक। तो 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9 बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऐसे बनते हैं, एक चेयरमैन, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, 2 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, 4 एंड 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम एड ऑन करेंगे तो एड ऑन करते कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका पूरा 9। तो ये भी आपको लर्न करना है कि सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि ये भी सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के टाइप्स पढ़ लिए हमने, और हमने सेबी के बारे में बात कर ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो मैंने आपसे बोला था टाइप्स में कि इक्विटी और डेप्ट, हम वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विटी और डेप्ट हम पढ़ेंगे, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया कि जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट जो हमारा होता है, ठीक, वो इक्विटी, डेप्ट और डेरिवेटिव में डिवाइड होता है। डेरिवेटिव को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इक्विटी और डेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इक्विटी। इक्विटी का मतलब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैपिटल मार्केट में कोई कंपनी कैसे कैसे पैसे का जुगाड़ करती है, ठीक है। इक्विटी और एक डेप्ट। दोस्तों अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, आपने कभी भी फाइनेंशियल टर्म्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैं आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए थोड़ा अपनी भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होता है, ध्यान देना। कभी भी आगे इन फ्यूचर कभी तुम्हें इक्विटी मिले तो उसका मतलब शेयर होता है। शेयर का मतलब क्या होता है, इसे अपनी भाषा में समझते हैं। तो शेयर को हम क्या बोल सकते हैं, शेयर को हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं, शेयर को हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं ना, शेयर को हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं, ठीक। चलो अब थोड़ा सा सिंपल सा पॉइंट हम समझते हैं, सिंपल सा पॉइंट समझते हैं। देखिए अगर बेटा हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो आपको इतना पता है कि यहां पर पैसे का लेन देन हमेशा 1 साल से ऊपर के लिए होगा, इतना तो पता है हमको। देखिए समझिएगा, मैंने एक कंपनी ओपन करने की सोची और मेरे कंपनी का नाम क्या है, एक्स वाई जेड कंपनी। और ये जो एक्स वाई जेड कंपनी, मेरी कंपनी जो बनेगी, इसे ओपन करने के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपीस चाहिए, ठीक। 600 करोड़ रुपीस मेरे पास हैं और मुझे 400 करोड़ रुपीस की आवश्यकता है, इतना पैसे की आवश्यकता है। अब ये पैसा मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे बिजनेस करना है, बिल्कुल नया बिजनेस, ठीक है, बड़े लेवल पे। तो ये 400 करोड़ रुपीस का जुगाड़ कहां से हो सकता है, तो या तो मैं पार्टनरशिप कर लूं या तो मैं उधार ले लूं बैंक से, है ना, उधार भी तो होता है, उधार मिलता है ना बिजनेस के लिए। तो या तो मैं उधार ले लूं या तो मैं पार्टनरशिप कर लूं। तो मैं पार्टनरशिप करूं या उधार करूं, क्या करूं मैं, ये आप सोचिए जरा, क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए, एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए।
मैं आपको सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स समझा देता हूं। देखिए, अगर मैं पार्टनरशिप करूंगा तो पार्टनर्स कंपनी में आएंगे, और जब पार्टनर्स कंपनी में आएंगे तो वो मेरे पार्टनर्स होंगे, वो मेरे बिजनेस डिसीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं, मुझे उनका इंटरफेयर झेलना पड़ेगा और मुझे उनको प्रॉफिट का पार्ट भी देना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने पैसे लगाए, फ्री में थोड़ी ना काम होगा। अच्छा, अगर मैं डेब्ट लेता हूं, उधार, कंपनी नहीं है, मैंने 400 करोड़ रुपीज बैंक से लोन ले लिया, अगर मेरी कंपनी डूब गई तो, अगर मेरी कंपनी डूब गई तो मुझे 400 करोड़ रुपीज भी देने हैं और मुझे ब्याज भी देना है, मुझे ब्याज भी देना है। मैं समझिए मेरी बात को, अगर मेरे पार्टनर्स होते कंपनी डूबेगी तो यार हम, मैं अकेला थोड़ा डूब रहा हूं, मेरे साथ कुछ लोग और डूब रहे हैं, मतलब टोटल लायबिलिटीज मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं उधार लेता हूं, मेरी कंपनी डूब गई तो पूरी लायबिलिटी मेरे ऊपर अकेले अकेले। और सुनिए, और समझिए, लायबिलिटी वाली बात तो है, लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर आपने उधार लिया, कंपनी चल निकली, तो आपको किसी को प्रॉफिट शेयर नहीं करना है, आपको बस इनका प्रिंसिपल अमाउंट और आपको इनका इंटरेस्ट देना है। तो ये भी फायदा है, नुकसान एक्सप्लेन कर दिया मैंने, यहां पर नुकसान मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर कभी आपकी कंपनी डूबती है तो आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ कुछ और लोग जाएंगे, कहने का मतलब पूरी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपके माइंड में आ रहा होगा डेट ना? नहीं, जब इतने बड़े लेवल पर काम होता है तो बेटा पहले पार्टनरशिप होता है, मतलब पहले कंपनी अपना शेयर इशू करती है। अब चाहे वो मुकेश अंबानी की ही कंपनी क्यों ना हो, एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो कभी अपना पूरा पैसा बिजनेस में नहीं लगाता है, मार्केट से उठाता है, मार्केट में जाने देता है, ये बिजनेस का उसूल है। आपने अगर कभी, आपको शेयर मार्केट या फाइनेंस में इंटरेस्ट होगा, और अगर आप कभी लाइक सीएनबीसी ये सब देखते होंगे, तो आप देखो कि जब भी कोई कई नई कंपनी मार्केट में एंटर करती है तो वो घंटा बजाती है, देखा कभी आपने कि हाँ हम आ गए हैं मार्केट में? शायद दिखा होगा या ना दिखा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो कंपनीज पहले इक्विटी पर ही जाएंगी, उसके बाद डेप पर वो जा सकती हैं। गाइस, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट वन था, इसे यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके आगे पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिए, टॉपिक को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, इतने इजी लैंग्वेज में कैपिटल मार्केट कहीं नहीं मिलेगा आपको। मिलते हैं आप सेकंड पार्ट में, थैंक यू सो मच गाइस।